नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पुदारा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। मीरा भाईंदर बसे विरार क्राइम यूनिट 3 विरार ने एक ऐसे मामले को उजागर किया है जिसमें एक व्यक्ति दिन में रेकी करके घर घुस के घर फोड़ी करके चोरी करता था। कुल 14 घर फोड़ी को उसने अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच के PI प्रमोद बड़ा की टीम ने इस पूरे मामले को उजागर किया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला क्राइम ब्रांच के DCP से। क्या कहेंगे सर, क्या किस संदर्भ में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022-2023 में करीबन दिन के घरफोड़ियों की तादाद बढ़ गई थी। 21 तारीख को साई गणेश अपार्टमेंट विकास नगरी में भी दो जन के घर पे घरफोड़ी हुई थी। रुक्मिनी गोवेकर और प्रवीण पांगम, उनके घर से करीबन 30,000 के सोने के दागिने और कुछ कैश अमाउंट चोरी हो गई थी। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 3 के टीम लगातार कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमने काफ़ी सारे CCTV फुटेज और हमारे गोपनीय सूत्रों से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। उसमें हमें एक बंदे का नाम हमें पता चला और उसके बाद हमारी टीम ने उसको 23 तारीख को हमने उसको रायपाड़ा विरार पूर्व से उसको हमने उसको ताबे में लिया। उसका नाम है अकरम अंसारी। उसको जब क्राइम ऑफिस में लाया गया और उसके पूछताछ चालू की तो हमें पता चला कि उसने अभी तक पूरे विरार पुलिस स्टेशन के हद में 2022 और 2023 के 14 दिन के घरफोड़ी उसने की करने की हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी हुआ और अभी तक हमने करीबन 14 घरफोड़ी हमने उसके पास से डिटेक्ट किए हैं। 14 घरफोड़ियों में जो गया हुआ जो मुद्देमाल था करीबन 3 लाख का सोने चांदी के जवाहरात, मोबाइल फ़ोन और कैश, ऐसा पूरा करीबन 3 से 4 लाख रुपए का मुद्देमाल हमने बरामद किया है। उसके साथ ही जो गुने में इस्तेमाल की जाने वाली जो मोटरसाइकिल थी पैशन व्हीकल, वो भी हमने जब्त की है। करीबन 4 दिन की पुलिस कस्टडी इस आरोपी की मिली है। इसका बैकग्राउंड अगर देखोगे तो इसने अभी तक इसके पुराने भी करीबन इसके ऊपर 8 से 10 घरफोड़ी के गुने इसके ऊपर दाखिल है और ये वैसे ही विरार के इलाके में ही घरफोड़ी और वो भी स्पेसिफिकली दिन की घरफोड़ी करता है, ऐसा पता चला है। सर, ये कोई ग्रोह है या सिंगल व्यक्तिगत आदमी करता था? ये अकेला करता है। इसके साथ में अभी तक तो कोई इसका साथीदार हमें मिला नहीं। ये रायपाड़ा विरार ईस्ट, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि इसका पुराना बैकग्राउंड हमने निकाला तो इसके ऊपर 10 घरफोड़ी के गुने दाखिल है जिसमें वो अटक हो चुका है। इतनी सारी घरफोड़ियों में इतना कम सोना बरामद होना वो शंका पैदा करता है। नहीं, जब वो बेसिकली टारगेट करता था कि ऐसे छोटे छोटे घर जहाँ पे मतलब जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे 5 ग्राम चोरी हुई है, 10 ग्राम चोरी हुई है, कहीं जगह पे मोबाइल चोरी हुआ है, कहीं जगह पे 8-10 हज़ार का कैश चोरी हुआ है, ऐसा उसने चोरी किया हुआ है। नहीं, जहाँ जहाँ मिला है वहाँ किया है, लेकिन अभी तक पूरे 14 घरफोड़ी के इसमें अभी तक हमने करीबन 3 लाख के ऊपर का मुद्देमाल हमने पूरा हमने जब्त किया है। उसमें करीबन 8 तोले के सोने के जवाहरात भी हमने उसमें बरामद किए। सर, लोकल पुलिस स्टेशन को इस तरीके के अपराधियों को पकड़ने में दिक्कत हो रही है और क्राइम ब्रांच बड़े आसानी से पकड़ लेता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी पुलिस स्टेशन में भी उनके जो DB का स्टाफ है वो भी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने भी काफ़ी सारे अच्छे डिटेक्शन किए हैं। जिसको लीड मिलता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन में इंफॉर्मेशन मिलती है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। वो जो उसकी मोटरसाइकिल है पैशन मोटरसाइकिल, वो वहाँ पे वो एरिया में हमेशा थोड़ा सा घूमता था, एरिया की छाननी करता था। जब उसको पता चलेगा कि कोई घर खाली है या बाहर गए हैं, तब वहाँ पे जाके उसका वहाँ पे वो ये घरफोड़ी के वारदात करता था। सर, सिर्फ लोकल में ही करता था या और मीरा भाईंदर में और क्या मुंबई में किया है? अभी फिलहाल में सिर्फ विरार पुलिस स्टेशन के हाथ में उसके 14 घरफोड़ी हमने डिटेक्ट किए। हमको इन्फॉर्मेशन मिली CCTV फुटेजेस का, हमने इस्तेमाल किया, जो वहाँ के हमारे इन्फॉर्मर्स है उनसे हमने इन्फॉर्मेशन निकाली और हमारे टीम ने उसको फिर उसके आधार पे हमने उसको गिरफ्तार किया। मैंने आपको बताया ना कि वो एरिया में घूमता था, वहाँ की रेकी करता था। जब उसे पता चल जाता था कि वहाँ पे वो घर में उनके लोग वहाँ पे निकल गए या बाहर गए, तब जाके वहाँ पे वो घर में जाके घरफोड़ी करके फिर वहाँ से उसका मुद्देमाल उठा के भाग जाता था।
तो जिस तरीके से आपने देखा डीसीपी ने क्या बताया, 3 लाख रुपए तक के मुद्दे माल बरामद किया गया है, 4 दिन की आरोपी को कस्टडी मिली है। और आपको बता दें कि जितने भी 14 घरों में इसने घरफोड़ी की है वो सिर्फ विरार में है। अब देखना ये है कि और कितने मामले इसके ऊपर दर्ज है और कितनी चोरियां इसने की है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह के खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोद्दार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।